नमस्ते बच्चों, सबको स्वागत है आज की हिंदी कक्षा में, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये क्या है बच्चों, चित्र देखिए। देखिए बच्चों, ये क्या है बोलिए। हाँ, कंप्यूटर। अच्छा, क्या आपने इस कभी इसका उपयोग किया है बच्चों? अच्छा, इससे क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं बच्चों, इस कंप्यूटर से बोलिए। हाँ अच्छा, तो बच्चों आज हमने कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में एक पाठ पढ़ेंगे, है ना बच्चों। पाठ 15, कंप्यूटर और इंटरनेट। तो आप लोग पाठ्यपुस्तक खोले पेज नंबर 84, कंप्यूटर और इंटरनेट। देखिए बच्चों, पाठ प्रवेश। कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे कार्य क्षेत्र से संबंधित अधिकांश काम आज कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। आइए इस कंप्यूटर के बारे में और जाने। देखिए बच्चों, कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे कार्य क्षेत्र से संबंधित अधिकांश काम आज कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। आइए इस कंप्यूटर के बारे में और जाने। देखिए, विज्ञान ने मनुष्य को अनेक सुख सुविधाएं दी है आज के युग में, है ना। विज्ञान ने मनुष्य को अनेक सुख सुविधाएं दी है, जिनमें कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण देन है। इस युग विज्ञान ने मनुष्य को अनेक सुख सुविधाएं बेनिफिट्स सुख सुविधाएं यानी सुविधाएं बेनिफिट्स दी है, जिसमें कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण देन है। इम्पोर्टेंट गिफ्ट है कंप्यूटर इस युग में, इस विज्ञान युग में, है ना बच्चों। देखिए, यह यंत्र मनुष्यों के लिए एक जरूरत बन गया है। आजकल इसका प्रयोग विद्यालयों, कार्यालयों, बैंकों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, घरों आदि सभी स्थानों और सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। आज कंप्यूटर यह यंत्र मनुष्यों के लिए एक जरूरत बन गया है। आजकल इसका प्रयोग विद्यालयों, कार्यालयों यानी ऑफिस, बैंकों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों यानी एयरपोर्ट, घरों आदि सभी स्थानों और सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसका उपयोग किसका? कंप्यूटर का। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल विद्यालयों में पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। 1वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, है ना। बच्चे इस यंत्र को अच्छी तरह चलाना जानते हैं, है ना, ठीक है ना। अनेक विषय कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई जाते हैं। आजकल कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। ये एक ऐसी सुविधा है जो दुनिया के सभी लोगों के साथ संबंध जोड़ती है। इंटरनेट की सहायता से इस दुनिया के सभी लोगों के साथ संबंध जोड़ती है। बस क्लिक कीजिए और इंटरनेट के जरिए सब कुछ आंखों के सामने आ जाते हैं, है ना। इंटरनेट की एक क्लिक कीजिए और इंटरनेट के जरिए सब कुछ आंखों के सामने आ जाता है, है ना। एक बार भी देखिए बच्चों, विज्ञान ने मनुष्य को अनेक सुख सुविधाएं दी है ना, जिनमें कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण देन है।
जिनमें कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण देन है। महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट, देन यानी गिफ्ट है ना। यह यंत्र मनुष्यों के लिए एक जरूरत बन गया है। किस यंत्र? कंप्यूटर। यह यंत्र मनुष्यों के लिए एक जरूरत बन गया है। आजकल इसका प्रयोग विद्यालयों, कार्यालयों, बैंकों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, घरों आदि सभी स्थानों और सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसका उपयोग है ना, विद्यालयों, कार्यालयों, बैंकों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, घरों आदि सभी स्थानों पर, सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है कंप्यूटर का उपयोग है ना। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट स्थान है शिक्षा के क्षेत्र में है ना। एजुकेशन, शिक्षा यानी एजुकेशन। आजकल विद्यालयों में, आजकल विद्यालयों में पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक है ना कि शिक्षा भी दी जाती है। 1वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है। बच्चे इस यंत्र को अच्छी तरह चलाना जानते हैं। बच्चों को इस यंत्र को अच्छी तरह चलाना जानते हैं, ठीक है ना। अनेक विषय कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं। आजकल कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। आजकल कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। ये एक ऐसी सुविधा है, क्या है इंटरनेट, क्या है जो दुनिया के सभी लोगों के साथ संबंध जोड़ती है। बस क्लिक कीजिए और इंटरनेट के जरिए सब कुछ आंखों के सामने आ जाता है ना बच्चों। तो अगला पन्ना देखिए, इंटरनेट की सुविधा से समुद्री तल हो या आसमान की ऊंचाई, सभी की जानकारी मिल जाती है। इंटरनेट की सुविधा से समुद्री तल हो या आसमान की ऊंचाई, क्या है समुद्री तल यानी द सी बेड, आसमान की ऊंचाई, आसमान यानी स्काई, सभी की जानकारी मिल जाती है इंटरनेट की सहायता से। देश विदेश के समाचार, खेल, संगीत, मौसम की जानकारी, रेल टिकट की खरीदारी, होटल की बुकिंग, बिलों का भुगतान, फिल्म, कला आदि सभी जरूरतें घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से पूरी हो जाती है ना। इंटरनेट की सहायता से, देखिए बच्चों, इंटरनेट की सुविधा से समुद्री तल हो या आसमान की ऊंचाई है ना, सभी की जानकारी मिल जाती है। देश विदेश के समाचार, क्या है देश विदेश के समाचार, समाचार यानी न्यूज, खेल, संगीत, मौसम की जानकारी, रेल टिकट की खरीदारी, होटल की बुकिंग, बिलों का भुगतान, फिल्म, कला आदि सभी जरूरतें घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से पूरी हो जाती है। इंटरनेट की सहायता से इन सभी हमारे से पूरी हो जाती है। अगला, ईमेल से पत्र भेजना जल्दी एवं आसान हो जाता है। ईमेल की सहायता से पत्र भेजना जल्दी एवं आसान हो जाता है। कहीं किसी संस्था में प्रवेश लेना हो तो ईमेल द्वारा फॉर्म भरकर भेजिए। वेब कैमरा से आमने सामने बात कीजिए। इस प्रकार सभी कार्य आसानी से पूरे हो जाते हैं। देखिए बच्चों, ईमेल से पत्र भेजना जल्दी एवं आसान हो जाता है। कहीं
कहीं किसी संस्था में प्रवेश लेना हो तो ईमेल द्वारा फॉर्म भरकर भेजिए। वेब कैमरा से आमने सामने बात कीजिए। वेब कैमरा से कंप्यूटर की एक दूसरा भाग है वेब कैमरा। वेब कैमरा से आमने सामने बात कीजिए। इस प्रकार सभी कार्य आसानी से पूरे हो जाते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के प्रयोग में बड़ों और बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे इसका प्रयोग समझदारी से करें। ऐसा करने से उन्हें इस यंत्र से लाभ प्राप्त होगा और उनके कार्य भी आसानी से पूरे हो जाएगा, है ना। देखिए बच्चों, एक बार भी, इंटरनेट की सुविधा से, ध्यान से देख सुनिए बच्चों, इंटरनेट की सुविधा से समुद्री तल हो या आसमान की ऊंचाई, सभी की जानकारी मिल जाती है। देश विदेश के समाचार, खेल, संगीत, मौसम की जानकारी, रेल टिकट की खरीदारी, होटल की बुकिंग, बिलों का भुगतान, फिल्म, कला आदि सभी जरूरतें घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से पूरी हो जाती है। हम लोग घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से यह सब पूरी हो जाती है। क्या है? मौसम की, देश विदेश की समाचार, संगीत, मौसम की जानकारी, रेल टिकट खरीदारी, होटल की बुकिंग, इसी तरह, है ना बच्चों। हम लोग घर में बैठे इंटरनेट के माध्यम से ये सब पूरी हो जाती है ना। ईमेल से पत्र भेजना जल्दी एवं आसान हो जाता है। ईमेल की सहायता से पत्र भेजना जल्दी एवं आसान हो जाता है। कहीं किसी संस्था में प्रवेश लेना है तो क्या लेना है तो ईमेल द्वारा फॉर्म भरकर भेजिए, है ना। वेब कैमरा से आमने सामने बात कीजिए। इस प्रकार सभी कार्य आसानी से पूरे हो जाते हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के प्रयोग में बड़ों और बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे इसका प्रयोग समझदारी से करें। ऐसा करने से उन्हें इस यंत्र से लाभ प्राप्त होगा और उनके कार्य भी आसानी से पूरी हो जाएंगे, है ना बच्चों। इस पाठ में कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में बताया गया है ना। समझा है ना बच्चों। तो आप लोग शब्दार्थ देखिए। सुविधाएं, कंफर्ट, बेनिफिट्स, देन गिफ्ट, कंट्रीब्यूशन, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, माध्यम, मीडियम, आसमान, स्काई, विदेश, फॉरेन, मौसम की जानकारी, वेदर रिपोर्ट, कला, आर्ट, प्रवेश, एडमिशन, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, कार्यालय, ऑफिस, क्षेत्र, एरिया, समुद्री तल, द सी बेड, ऊंचाई, हाइट, समाचार, न्यूज, भुगतान, पेमेंट, आसान, इजी, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, है ना बच्चों। तो आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।